वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ जी अपने सेकेंड बेबी की, यानी कि मोहम्मद ईसा की फर्स्ट शॉपिंग। और मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करूँ, उसके जो गिफ्ट्स मिले हैं अभी तक वो भी आपके साथ शेयर करूँगी, और जो उसके जो हम लोगों ने शॉपिंग की है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। चलो जी, मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कौन कौन सी चीज़ें कहाँ से बाय की हैं। और चलें जी, बढ़ते हैं व्लॉग की तरफ। और सबसे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा, और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर। अच्छा जी, सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करूंगी ये बेबी बाथ है। ये जो है ये जाबिल को कह रही हूँ, मोहम्मद ईसा को गिफ्ट किया है उसके चाचू और चाची ने। ये अभी तक हमने यूज़ नहीं किया है। अच्छा जी, और सबसे पहले हैं जी ये क्यूट से शूज़, जो सॉक्स टाइप होते हैं जिनका बहुत ज़्यादा फायदा। और ये जो है ये ईसा, मोहम्मद ईसा के बाबा लेके आए थे। देखिए कितने क्यूट है। उसके बाद एक ये शूज़ है, ये भी मोहम्मद ईसा के बाबा लेके आए थे। जाविल आप पीछे चले जाओ। ये शूज़ हैं डोरेमोन वाले, ये जो है ये मैंने ऑनलाइन मंगवाए थे, ये बहुत क्यूट है। एक ये पांडा वाले शूज़ हैं, ये भी मैंने आई थिंक नहीं हम लोगों ने मैंने खुद बाय किए थे। एक ये ड्रेस है, ये मैंने ऑनलाइन बाय किया था, ये मुझे काफ़ी रिजनेबल प्राइस में मिला था। स्टार्टर सेट है, ये बहुत ज़बरदस्त है। इसकी आई थिंक 1 2 3 4 5 पीस है इसमें। इसमें कैप है, बिब है, शर्ट है, ट्राउज़र है, वेलवेट का है ये, और बहुत ज़बरदस्त है ये। एक ये रोम्पर, ये भी मैंने ऑनलाइन बाय किया वेलवेट का। ये भी बहुत अच्छा स्टफ है और बहुत रिजनेबल प्राइस में मिला। और ये मिटन्स हैं, ये भी मैंने ऑनलाइन बाय किए थे। ये 4 सेट मंगवाए थे, दो जो हैं आई थिंक 3 जो हैं वो यूज़ हो रहे हैं, और ये एक है। और ये रहे उसके लिए पजामे जो मैंने ऑर्डर किए थे, ये भी मैंने ऑनलाइन मंगवाए थे, ये भी मुझे बहुत रिजनेबल प्राइस में मिले थे, 250 के 2। बहुत ज़बरदस्त है इनका स्टाफ और सही विंटर्स का है, बहुत अच्छा स्टाफ है और बहुत प्यारे हैं ये। एक ये मोहम्मद ईसा का अपन लिया था हमने, ये भी बहुत अच्छा स्टाफ है। एक ये लिया था मोहम्मद ईसा का अपन, एक ये ड्रेस है, ये भी इसके बाबा लेके आए हैं इसके लिए, मोहम्मद ईसा के लिए। हाँ जी, आप क्या करने आए? पापा अच्छा, एक ये स्वेटर है,
ये दरअसल सारा सामान में पड़ा हुआ था ना, तो इसीलिए इनकी शेप ऐसी हो गई हुई है। एक ये स्वेटर, ये भी मोमा दीसा के बाबा लेके आए हैं उसके लिए। एक ये ड्रेस है, ज़्यादा पीछे तो ये भी मैंने ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवाया, ये भी बहुत रिजनेबल प्राइस में मिला। ये जो है ये समर का, सर्दियों में तो नहीं पहनाया जाएगा। ये शर्ट है और ये इसका ऊपर ऊपर देख भी, चलो नीचे हाईनेक वगैरह पहना के मैं पहना दूंगी इसको, क्योंकि कोई पता नहीं गर्मी होता कि इसको छोटा ना हो जाए। बुरी बात है, ये ऊन का इसके जो है ना वो बटन्स लगने वाले हैं अभी आगे। ये मोहम्मद ईसा की पप्पू ने दिया इसको। ये शूज भी मोहम्मद ईसा के पप्पू लेके आई है उसके लिए, सैंडल है ये। पीछे टू में यहाँ पे एक ये भी मोहम्मद ईसा के लिए लेके आई है उसकी फुप्पो। एक ये कैप लेके आई है वो, एक ये सॉक्स का सेट लेके आई है। आप क्यों बोल रहे हो साथ में? ये भी लेके आई है और एक ये टॉय। ये टीथर भी लेके आएंगे, ये पैक था ये जाबिल ने खोल दिया। और मेरा ड्रेस भी लेके आएंगे हम, और ये भी मोहम्मद ईसा के लिए लाएंगे, लेकिन ये बहुत ज्यादा बड़ा है अभी। और ये जो है ये सबसे स्पेशल गिफ्ट है, और ये जो है ना ये मोहम्मद ईसा के नाना लेके आए हैं मोहम्मद ईसा के लिए। ये फुल गर्म शूज है, बहुत जबरदस्त है, जैसे सर्दी पड़ रही है ना, और बेबीज के लिए सबसे बेस्ट है ये। एक ये मोहम्मद ईसा के नाना लेके आए हैं, ये मेरे लिए सबसे ज्यादा स्पेशल है। और मेरे अबू जान मेरे लिए भी गिफ्ट लेके आए हैं, तो मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँ। ये देख ये हेयर बैंड लेके आए हैं वो मेरे लिए, जाबिल के और ईसा के नाना। अच्छा चुप, ठीक है चुप कर जो, आप भी अपने गिफ्ट ला के दिखाना, ठहर जो। ये मेरे लिए वो बैंगल्स लेके आए हैं। पहले टाटा लाइक पढ़ ले।
एक ये इयर रिंग्स लेके आया हूँ मेरे लिए, एक ये इयर रिंग्स लेके आया हूँ मेरे लिए, एक ये इयर रिंग्स लेके आया हूँ मेरे लिए, एक ये इयर रिंग्स लेके आया हूँ मेरे लिए, ये इयर रिंग्स लेके आया हूँ मेरे लिए। ये देख कितने ज़्यादा लेके आए, ये जो ज्वेलरी है ये सारी जो है वो जाबिल की और ईसा के, मोहम्मद ईसा के नाना लेके आए हैं मेरे लिए। ये जाबिल ने आते साथ ही सारे पैकेट्स खोल दिए थे। इसमें भी कुछ चीज़ें मैंने रखी हुई हैं मोहम्मद ईसा की जो नई लेके आए थे हम लोग। ये मोहम्मद ईसा के ग्लव्स, ये भी इसके बाबा लेके आए थे। ये भी मोहम्मद, आपके लिए क्या गिफ्ट आया, आप अपने गिफ्ट दिखाओ, दिखाओ इधर लाओ, वो छोटी वाली कार भी लाओ, मिनी कार, ये बड़ी भी इधर रखो ना, ये कार ये वाली इधर रखो। अच्छा जी, ये जो है ना ये लॉइन वाली, ये जाबिल को मैंने गिफ्ट की है ये वाली। अच्छा जी, ये जो ये वाली बस है ना ये मैंने जाबिल को गिफ्ट किया है, ये मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, आपको दिखाती हूँ मैंने हाथ में पकड़ा हुआ ये लाइट, ये देख ये बहुत प्यारी बस है, मेटल की है ये देख। एक ये मैंने जाबिल के लिए मंगवाई थी ऑनलाइन, एक ये मंगवाई थी क्योंकि मोहम्मद ईसा के लिए कुछ भी आता है ना तो ये बहुत ज़्यादा फील करता है। ये देख ये इस तरह से हो जाती है, ये जाबिल की पोपो लेके आई है जाबिल के लिए। जाबिल इस तरह की ग्रीन भी तो थी, वो कहाँ पे है, ये भी जाबिल की पोपो लेके आई है, ये जाबिल के बाबा ने लेके दी थी, ये भी जाबिल की पोपो लेके आई है जाबिल के लिए, जाबिल को बहुत पसंद है। और ये भी मैंने जाबिल को गिफ्ट किया है, अभी इसके अंदर कॉइन्स डलते हैं, इसने आई थिंक डाले भी हुए हैं कॉइन्स। जाबिल इसके अंदर टेडी बियर भी था, वो किधर है, ये भी मैंने गिफ्ट किया जाबिल को, इसके अंदर था ना, चलो रहने दो, भी रहने दो, बाद में ले लें, बाद में दिखा देंगे। ये भी मैंने जाबिल को गिफ्ट किया, ये मैं आपको दिखाती हूँ चला के। अच्छा देख, ये देखो ये ऐसे चलता, ये कारपेट है ना इस वजह से अभी सही नहीं चल रहा। ये जाबिल के बाबा ने लेके दिया था जाबिल को शेप, जिसकी इसने टांगे तोड़ दी हुई हैं, ये पुराना है जी लेकिन वो कह रहा है कि दिखाओ, ये भी ये मैंने कल वॉश किया, ये देखिए बहुत प्यारा बैग बना हुआ है। अच्छा इसके अंदर ही इसके पाँव भी पड़े हुए हैं शायद, हाँ जी ये देखें, ये जाबिल जब मोहम्मद ईसा बड़ा हो जाएगा ना उसके साथ भी अपने टॉयज शेयर करेगा, है ना जाबिल, हाँ कहते हैं। चलो जाबिल बाय बाय कर दो।